नफरत ना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान चीज अगर कोई है तो किसी से नफरत करना है। मुश्किल काम है किसी से प्यार करना। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, सच में प्यार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुश्किल काम करेंगे कि नहीं करेंगे, माहौल चाहे जैसा भी है, माहौल चाहे आप देख लो पूरे हर जगह पे, मुझे जहां पे मैं देखता हूं ना, मुझे भाईचारे दिखते हैं, मुझे लोगों के बीच में प्यार दिखता है। और हमें जमीन पे हो या इंटरनेट हो, कहीं पे भी हो, हमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि हम नफरत ना फैलाएं कहीं भी, हम प्यार की बात करें, प्यार फैलाएं। और आज जब इतना यंग जनरेशन यहाँ पे मौजूद है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नशों से दूर रहो, ड्रग्स से दूर रहो। जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं माए बहने जितनी भी है, आप उनके तरफ देखिएगा, उनका चेहरा देखिएगा। और यहाँ पे जितने भी यंग लड़के हैं ना, छोड़ दिया तूने, यहाँ पे जितने भी अगर करते हो प्रॉमिस करो छोड़ोगे। अरे भाई, अरे भाई, बहुत जरूरी चीज है ये, बहुत जरूरी, ये सिस्टम करवा दो, बहुत जरूरी चीज ये इसलिए है क्योंकि देखो दो भाई थे, दो भाई, उनका ना सीढ़ी बनाने का काम था, लेकिन अकेला भाई कभी सीढ़ी नहीं बना पाता, तो हमें ऊपर चढ़ने के लिए, सीढ़ी बनाने के लिए दो भाइयों की जरूरत पड़ेगी। प्यार और वो दो भाई बन के रहना बहुत जरूरी है। नशे से दूर रहेंगे सब, सिर्फ बर्बादी है, सिर्फ बर्बादी, इसके अलावा कुछ हासिल नहीं है। और मैं चाहता हूं आज जितने भी लोग हैं यहां पे, सब कसमें खाओ, अगर गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड की कसम खाओ, अगर तुम्हारा भाई जैसा दोस्त अगर सदाकत है तो सदाकत जैसे तुम्हारे दोस्त की कसम खाओ। ये कसम खा के आज अगर करते हो तो नहीं करोगे, और अगर करने का कभी मन भी करे ना, अपने माँ बाप के और बहन के बारे में सोचना, प्रॉमिस है। अरे मैं खुद मुश्किल से यहां आया, ट्रॉफी कैसे लाता, लेकिन आप लोगों के लिए एक चीज है, आवाज करोगे जोरदार दो, तुम्हारे को, तुम लोग मेरे लिए 3 घंटा वेट किए, 4 घंटा वेट किए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह से है बोलता मैं सबके साथ फोटो खिंचाऊंगा, अगर शर्म आ रही है तुम लोगों, लेकिन जिंदगी में प्रॉमिस करता हूं हम कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। मैंने वादा किया ना, मैंने वादा किया है, किसी को पता है, याद है कि मौत मुकम्मल में डरने वाला नहीं हूं, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूं, बतालियों से जब तक भरना दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूं। 2021 में लिखा था मैंने, और ये 2024 में भी पूरा नहीं हुआ अभी तक। मैं स्टेडियम बेचना चाहता हूं, मैं बेचना चाहता हूं स्टेडियम, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया ना, मेरे को लगता है वो दिन भी दूर नहीं है।
लाइफ पे सबके उतार चढ़ाव आते हैं। आप ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज, सब लोग एक बार शांत हो जाओ, मैं बहुत बहुत काम की बात बोलने वाला हूँ। प्लीज पीछे आवाज थोड़ा कम कर लो। लाइफ पे सबके उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आप कभी भी कोई प्रॉब्लम आए है, उसको सीधा टनल तक छोड़ के आने का, ठीक है? प्रॉब्लम्स को टनल तक छोड़ के आओ। और लाला चार लाइनें लिखी है, सुनेंगे? एक बार जोर से आवाज करो, अरे मेरे को शायरी बोले, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, शायरी सुनाओगे? नहीं, कि बचपन के उस गरीब बच्चे से शर्त लगाई है, बचपन के उस गरीब बच्चे से शर्त लगाई है, मैंने ख्वाब की खातिर नींद को आग लगाई है, मेरी उम्र के थे जाते जिसे पढ़ने, मैंने किताब वो घर के चूल्हे में जलाई है, पैसे तो कोई भी कमा लेगा, मैंने लाखों चेहरों की हंसी कमाई है। और शानू सर, जितेंद्र सर का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अपनी ऑडियंस से इतना क्लोजली मिलने का मौका देने के लिए, और इतने ये मुश्किल था ऑर्गेनाइज करना, इन्होंने मेरे लिए ये चीज ऑर्गेनाइज करी, क्योंकि मैं फैंस से ऑडियंस से मिलना चाहता था। तो मैं चाहता हूँ एक बार सब लोग सुनो, अरे सुनो, मेरे को बहुत बातें करनी तुमसे, तो मैं एक चीज बता रहा हूं तुम्हारे को, मैं जब बोलता हूं आप लोगों को कि इन सब चीजों से दूर रहो, मैं बोलना चाहूंगा, म्यूजिक पसंद है घुस जाओ पूरा अंदर, आपको अगर डॉक्टर बनना है पूरी मेहनत लगा लो, मैंने ट्राई किया है भाई, जो करना है ना अगर वो थान के बैठ जाओ ना तो वो सपना पूरा होता है। तुम यहाँ पे जितने भी लोग हो ना, मेहनत करके इधर खड़े हो सकते हो, और उतनी मेहनत करना, और एक शायरी तुम्हारे लिए सुनिए, और यहाँ पे जितनी मेरी माए बहने आई हुई है, जाते वक्त सारे लड़के ख्याल रखें कि इन लोगों से दूर दूर रहकर इन लोगों को हिफाजत से निकाले, ठीक है? जितने भी लड़के यहाँ पे हैं, जो भी माए बहने आई है, वो लोग सेफली यहाँ से निकले, अच्छे से निकले, उसका मेक श्योर, ओके? माथे पे देख नसीब है बुलंद कितने, ध्यान से सुनना, नहीं वाली है, ठीक है? कि माथे पे देख मेरे नसीब है बुलंद कितने, पैरों में देख मैंने तोड़े हैं घमंड कितने,
ये तेरे वाले भी कोई दूध के धुले नहीं। मैं लूंगा नाम तो लगेंगे ये शर्म से छुपने।